इंडियन टेस्ट क्रिकेट में चेजिंग का इतिहास देखते हैं तो एक घाव अक्सर हरा हो जाता है, चेन्नई वर्सेस पाकिस्तान। उस टेस्ट मैच में ऑफ कोर्स सिनारियो अलग था, पिच अलग थी, टोटल अलग था, ऑपोजिशन अलग थी, माहौल अलग था, लेकिन साइकोलॉजिकली ये जो मॉडर्न डे इंडियन क्रिकेट टीम है पिछले 5-7 सालों में या पिछले 10-15 सालों में, एक बिलीफ है इस टीम में कि हम चढ़कर खेल सकते हैं, हम नैरेटिव सेट कर सकते हैं। उस जमाने से इस जमाने में वो एक बड़ा बदलाव आपको लगता है? आई थिंक बदलाव तो है, क्योंकि ये ऐसी चीज होती है ना, रन चेज, क्योंकि उसमें जैसे मैंने कहा कि अगर एक आध विकेट जाती है तो प्रेशर बनता रहता है। लेकिन आज जो भारत की टीम ने किया है, भले 112 रन थे लेकिन बहुत ही मुश्किल पिच थी यहाँ पर चेस करने के लिए। लेकिन एक चीज जो खास अच्छी देखने को मिली, वो जो डिफेंड किया है भारत ने, आई थिंक जिस तरह से अपने कॉन्फिडेंस दिखाया डिफेंस में, और आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम को और वर्ल्ड में भी जो बहुत सारी टीमें भारत में आके फिर वो एकदम उनके पत्ते बिखर जाते हैं, उनको भी दिखाया कि अगर आप कदमों का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो आप पॉजिटिव क्रिकेट खेल सकते हैं। अपने डिफेंस को आप इतना कॉन्फिडेंस में रखिए कि आप बॉलर को मजबूर करें कि वो खराब गेंदबाजी करे। तो आई थिंक एक माइंडसेट जरूर चेंज हुआ है, क्योंकि भारत काफी जीता है, पहले भी जीता था लेकिन अभी बहुत सारी सीरीज जीते। अगर पिछले कई सालों से देखे तो मुझे ध्यान नहीं आता कि कौन कौन सी टीम शायद यहाँ भारत में आके जीती है। और एक एक जो प्लेयर्स के बीच में एक वेवलेंथ है, कैप्टन सीनियर खिलाड़ियों के बीच वेवलेंथ है, वो बिल्कुल सही। उसकी एक एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। रोहित शर्मा अच्छे जोन में थे, बड़े शॉट्स लगा रहे थे, सिंगल दूसरा रन लेने में कंफ्यूजन हुई और उन्होंने खुद का विकेट सैक्रिफाइस किया। ये ना सिर्फ दिखाता है कि उनको पुजारा पर भरोसा है, लेकिन ये भी कि चलो आगे भी और बल्लेबाज हो, ये कर लेंगे हम। ये जो सेल्फ बिलीफ है, ये बहुत ही एक एक खास फीचर रहा इस आखिरी दिन का। आई थिंक सब बहुत बड़ा मोमेंट था ये, एक कप्तान हम बात करते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हम हर बार ये चीज दोहराते रहते हैं, लेकिन आज का वो एग्जाम्पल था जिस तरह के उन्होंने पारी खेली और जिस तरह से उन्होंने अपना विकेट भी सेक्रीफाइस किया, क्योंकि उनको पता था कि गलती उनकी थी। उन्होंने पहले कॉल किया, उसके बाद में उन्होंने मना किया, और पुजारा रोहित शर्मा के कॉल के ऊपर ही जा रहे थे, वो भी हिचकिचा नहीं रहे थे, लेकिन अपना विकेट सेक्रीफाइस करना है ये बहुत बड़ी बात होती है, वो इतनी छोटी बात नहीं होती, स्पेशली जब आप टीम के कप्तान भी हो और आप इस तरह की बल्लेबाजी भी कर रहे हो, क्योंकि रन चेज आपको पता है कि मुश्किल होने वाला है या हो सकता था। लेकिन ये अगेन जो जिस तरह से एज ए टीम खेलते आ रही है भारत की टीम टेस्ट क्रिकेट में, वो फिर से और एक मिसाल आज पेश हुई यहाँ पर।